हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे हो। फ्रेंड्स, हम लोग कवर करने जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग का मैच, जो कि खेला जाएगा पेशावर जलमी व मुल्तान सुल्तान्स के बीच। फ्रेंड्स, आपको बता दूँ, ये जो मैच खेला जाएगा, ये मैच खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची पे। फ्रेंड, पहले तो यहाँ का वेदर बता दूँ, क्लाउडी रहने की संभावना है, लेकिन बारिश होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती दिख रही, इसलिए मैच पूरा होने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। वहीं फ्रेंड्स, विकेट के बारे में बता दूँ, यहाँ पे PSL 2020 में 4 मैच हुए हैं, जिसमें 3 मैच चेजिंग टीम जीती है चेज करते हुए, और 1 मैच जो है पहले खेलते हुए टीम जीती। जो पहले खेलते हुए टीम जीती थी, 200+ स्कोर कर दी थी, इसलिए वो विन कर ली थी। फ्रेंड, यहाँ पे बता दूँ, जो टीम टॉस जीतेगी पहले फील्डिंग करने का डिसीजन करने का मोस्ट प्रॉब्ली संभावना मिलता बनता है, क्योंकि थोड़ा सा हेल्प शुरुआत में बॉलरों को मिलता है, उसके बाद बैटिंग ईजी होता चला जाता है जैसा मैच प्रोसेस होता चला जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ 3 मैच जो चेस करते हुए जीती है, एक टीम टारगेट सेट करके जीती है, तो जो भी है जहाँ तक है 100%, जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करने का डिसीजन करेगी। फ्रेंड, टीम के बारे में बात कर लूँ कि अभी तक मुल्तान सुल्तान्स की टीम 8 मैच में इस समय 5 मैच जीती है, 1 हारी है मात्र, 2 नॉट रिजल्ट है, 12 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल पर फर्स्ट पर चल रही है मुल्तान की टीम। वहीं पेशावर भी ज़्यादा पीछे नहीं है फ्रेंड्स, 9 मैचों में 4 जीती, 4 हारी है, 1 नॉट रिजल्ट, 9 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर चल रही। तो वहीं पेशावर जहाँ अपना पॉइंट टेबल में सुधारने की कोशिश करेगी, वहीं मुल्तान अपने जीत के क्रम को बरकरार रखना चाहेगी। दोनों टीमें काफ़ी स्ट्रांग हैं और अपने दिन किसी भी टीम को हरा सकती है, तो बहुत अच्छा मैच होने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती दिख रही है फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड बता दूँ, इस मैच से संबंधित कोई भी अपडेट रहेगा उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रेंड्स, मैं अगला न्यूजीलैंड वोमेंस ऑडिडी का भी मैच मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, आप लोग देखते रहिएगा पेशावर, और इसके बारे में बता दूंगा आपको। तो इस संबंधित मैच संबंधित कोई भी अपडेट रहेगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है फ्रेंड, उसको आप लोग डाउनलोड कर लो, ज्वाइन कर लो, उस पर मैं अपडेट कर दूंगा। आइए आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखाते हैं। टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्चिंग ऑप्शन पर, वहाँ पर टेक्निकल अभी प्रेडिक्शंस आप लोग डालिएगा। यहाँ पर सचिन सर का फ़ोटो दिया हुआ है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। इस पर मैं अपडेटेड टीम आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो टेक्निकल अभी प्रेडिक्शंस जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अपडेटेड टीम इस पर प्रोवाइड करूँ, क्योंकि टास्क के बाद कुछ चेंजेस होते हैं प्लेइंग 11 में भी, मे बी पॉसिबिलिटी बनती, प्लस थोड़ा सा मैच की कंडीशन के हिसाब से एज ए प्रेडिक्शन जैसा होता है थोड़ी सी चेंजिंग हम लोग कर लेंगे, तो उस हिसाब से आपको अपडेटेड टीम इसी पे मिलेगी फ्रेंड, ठीक है। टेक्निकल अभी प्रेडिक्शंस पे आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आ जाइए प्लेइंग 11 की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं ड्रीम 11 टीम पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, डोमेस्टिक T20 लीग टूर्नामेंट है ये सब, तो इसमें कोई भी मैच में किसी भी प्रकार का चेंजिंग हो सकता है। फिलहाल के लिए आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ, पेशावर जलमी की तरफ से कामरान अकमल और बैंटन बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे पूरे सीज़न में। फ्रेंड, जहाँ पे जितने मैच इन्होंने खेले हैं, कोई में 34 और 20 13 3 4 0 0, बहुत ख़राब फॉर्म से गुजर रहे हैं फिलहाल के लिए। और उसका लियाम लिंगस्टोन, ये कुछ मैचों में अच्छे इनिंग खेले हैं, जब नीचे खेलते तभी इनको ऊपर मौका मिल रहा है, नीचे उतने अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, 150 किए थे, बाकी ऊपर भी मौका मिला तो उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस अभी नहीं कर पा रहे हैं। शोएब मलिक टूर्नामेंट में शुरुआत में फॉर्म में नहीं थे, लेकिन लगातार 3 मैच से इन्होंने 50 करके अच्छे खासे फॉर्म में आ चुके हैं शोएब मलिक, ठीक है। हैदर अली अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे हैं फ्रेंड। और आपको बता दूँ कि दोनों तीनों के बारे में बता दूँ, रन बनाने के मामले में कामरान अकमल इसमें 5वें नंबर पर चल रहे हैं पूरे PSL में इस सत्र में, वहीं पे हैदर अली जो है 8वें नंबर पर चल रहे हैं फ्रेंड, आप लोग देख लो, हैदर अली और शोएब मलिक 12वें नंबर पर चल रहे हैं रन बनाने के मामले में, ठीक है। और आपको बता दूँ, लेविस जार्जी और कार्लोस ब्रैथवेट अभी तक केवल 3 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 5 विकेट प्राप्त किया है, और जार्जी ने 4 मैच में 4 विकेट प्राप्त किया, तो उस हिसाब से ब्रैथवेट थोड़े से अच्छे पिक बनते दिख रहे हैं, अगर बॉल करते हैं तो विकेट जरूर लेके जा रहे हैं हर मैच में, ठीक है। वहीं लेविस जार्जी भी उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, बैटिंग थोड़ा सा जार्जी एक डाउन ऊपर नीचे इनका होता है कार्लोस से। वहाब रियाज अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं फ्रेंड, इस टूर्नामेंट में 8 मैचों में इन्होंने शानदार 10 विकेट लिया है, 8 मैचों में इन्होंने शानदार 10 विकेट लिया है। यासिर शाह, ये भी अभी 3 मैच इन्होंने 4 मैच खेला, केवल 3 विकेट प्राप्त किए हैं, ठीक ठाक बॉलिंग की है, 1 मैच में 2 विकेट निकाले, बाकी मैचों में विकेट नहीं पा रहे हैं। हसन अली इनके सेकंड बेस्ट बॉलर अभी तक के हैं, इन्होंने जो है 8 मैचों में 7 विकेट निकाला, राहत अली ने 8 मैचों में मात्र 5 विकेट अभी तक निकाले हैं, तो ये इनका लेखा जोखा रहा फ्रेंड खिलाड़ियों का, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आ जाइए आप लोग, आपको यहाँ पर बता दूँ, जेम्स विंस उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन कुछ कुछ मैचों में अच्छे खासे इनिंग खेल रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। जीशान अशरफ ठीक ठाक ऑप्शन है, और कभी कभी जल्दी भी आउट हो जाते हैं, लेकिन 1 मैच में 50 नीचे किया था, लेकिन ऊपर मौका मिला, उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। मोइन अली
बहुत अच्छे पिक है, मस्ट पिक बनते हैं। 4 विकेट उन्होंने अभी निकाला है 4 मैचों में और अच्छी खासी बैटिंग भी कर ले रहे हैं। ठीक है, शान मसूद इनके अच्छे बल्लेबाज हैं, कैप्टन भी हैं। रोसो अभी शतक इन्होंने किया, प्लस अच्छी बैटिंग कर रहे हैं नीचे जब भी इनको मौका मिलता है। हर मैच में नहीं करते लेकिन करते हैं। कुछ दिल शाह ये भी ठीक ठाक ऑप्शन है। शाहिद अफरीदी ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों से प्रभावित करते हैं। इमरान ताहिर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं टूर्नामेंट में, 6 मैचों में 10 विकेट ले चुके हैं शानदार ढंग से। ठीक है, मोहम्मद इलियास ने भी अच्छी बॉलिंग किया, 6 मैचों में 6 विकेट निकाला है। जुनैद खान और सोहेल तनवीर, सोहेल तनवीर ने भी शानदार बॉलिंग किया, 6 मैचों में 7 विकेट निकाला है। शाहिद अफरीदी ने 5 मैचों में 4 विकेट निकाला। तो फ्रेंड आपको बता दूँ इस टीम से, मैं बता दूँ रन बनाने के मामले में अभी उतनी अच्छी बैटिंग नहीं, इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है फ्रेंड जी। शान मसूद जो है रन बनाने के मामले में PSL में 16वें नंबर पर, विंस 20वें नंबर पर। ठीक है, विंस 20वें नंबर पर चल रहे हैं और मोइन अली 24वें नंबर पर रन बनाने के मामले में, और रोसो 15वें नंबर पे। तो पेशावर जलमी के बैट्समैन थोड़े से अच्छे हैं, इनके बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं किया है बिल्कुल, लेकिन कोई ना कोई प्लेयर रन कर जाता है किसी मैच में, बॉलिंग अच्छी की है। तो फ्रेंड इनके बेस्ट बॉलर में बता दूँ आपको, इमरान ताहिर 6 मैचों में 10 विकेट, इलियास 6 मैचों में 6 विकेट और सोहेल तनवीर 6 मैचों में 7 विकेट। अफरीदी ने जहाँ तक खेला है इन्होंने 5 मैचों में 4 विकेट निकाले हैं। ठीक है, तो ये इनका प्लेइंग 11 रहने की संभावना है फिलहाल के लिए। टास्क के बाद हम लोग अपनी टीम की थोड़ी सी एडिट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लोग देख लीजिएगा उसी हिसाब से एडजस्ट करके लगा लीजिएगा, क्योंकि बाउंस विकेट पर रन बनाना थोड़ा ईजी होता है। बैटिंग क्रम्स के हिसाब से हम लोग अपनी टीम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड, बाकी फ्रेंड आशा करते हैं आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर दिया होगा और शेयर अपने दोस्तों में कर दिया होगा फ्रेंड। और ठीक है फ्रेंड, तो आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेना मेरे मोटिवेशन के लिए। आज ही आपको Dream11 टीम पे डायरेक्ट ले चलते हैं फ्रेंड, और टेलीग्राम को आप लोग जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ अपडेटेड टीम मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आ जाइए टेलीग्राम चैनल पर, आज टेलीग्राम चैनल तो आप लोग देख चुके फ्रेंड, आ जाइए Dream11 टीम पर जो मैंने आपके लिए अभी के लिए क्रिएट किया है। विकेट कीपिंग से देख लीजिए फ्रेंड, टॉम बैंटन बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। अगर सेकंड इनिंग बैटिंग आती है तो मे बी मैं इन पर रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन फर्स्ट इनिंग में मैं इन पर रिस्क नहीं लूँगा फ्रेंड। मैं कामरान अकमल के साथ गया हूँ और ईशान को भी आप ले सकते हो फिलहाल के लिए। बैटिंग में मैं लिया हूँ फ्रेंड बता दूँ आपको, लिविंग स्टोन को मैंने पिक किया है, अच्छे खासे बल्लेबाज हैं, थोड़े से ऊपर भी खेलें, अगर ऊपर खेलेंगे तो मैं इनके साथ ही जाऊँगा, अगर ऊपर नहीं खेलेंगे, अगर पहले इनिंग बैटिंग आएगी फ्रेंड अगर मुल्तान की तो मैं रोसो के साथ भी जा सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए लिविंग स्टोन के साथ हूँ, जेम्स बिन, शान मसूद और अच्छे फॉर्म में जो भी हैं हैदर अली, उन्हीं के साथ मैं गया हूँ फ्रेंड। ऑलराउंडर देख लीजिए, मैंने केवल 2 पिक किया, मोइन अली और शोएब मलिक को, अच्छे खासे दोनों फॉर्म में चल रहे हैं, मैं इन दोनों के साथ गया हूँ। वहीं बॉलिंग में देख लीजिए, इलियास के साथ गया हूँ फ्रेंड और रियाज और ताहिर और हसन अली, अभी मैं केवल परफॉर्मेंस के हिसाब से फ्रेंड पिक किया हूँ। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इमरान ताहिर टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर हैं अभी तक, जो अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, 6 मैच में 10 विकेट निकाले हैं, और वहाब रियाज इनकी तरफ से सबसे बेस्ट बॉलर हैं। ठीक है, 8 मैचों में 10 विकेट ये निकाले हैं, ये दो अच्छे हैं, बाकी 3 मैचों में 350 ये किए हैं, बाकी ये अच्छे खासे परफॉर्मेंस कर ही रहे हैं मोइन अली। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, कामरान अकमल टूर्नामेंट में रन बनाने वाले में 5वें नंबर पर चल रहे हैं, हैदर अली 8वें नंबर पर चल रहे हैं, इनके साथ गया हूँ। और उसके बाद इधर से शान मसूद जो है टूर्नामेंट में रन बनाने के मामले में जो फ्रेंड 16वें नंबर पर चल रहे हैं, और जेम्स मिन्स 20वें। तो मैं अभी केवल बल्लेबाजों का एज ए करेंट फॉर्म पे पिक कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। टास्क के बाद कुछ भी अपडेट करना होगा उसको मैं टास्क के बाद कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग दे लीजिएगा उसी हिसाब से अपडेट करके अपनी टीम लगा लेना। ठीक है, तो टास्क के बाद बहुत कुछ निर्भर करेगा क्योंकि बैटिंग बॉलिंग उसी हिसाब से हम लोग एडजस्ट करके अपनी अपडेटेड टीम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा उसी हिसाब से एडजस्ट करके आप लोग अपनी टीम क्रिएट कर लेना। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे अभी कुछ खिलाड़ी हैं इंपॉर्टेंट जो फॉर्म में नहीं, जैसे बैंटन हुआ ओपन करता है, वो भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, पिछले मैच में 1 डाउन खेले थे, उन लोगों को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। रोसो हो गया, अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग आती है तो वो भी बहुत अच्छा पिक रहेगा, और यहाँ पे ब्रेथवेट और जॉर्जी में कोई एक। ठीक है, और यहाँ पे सोहेल तनवीर, 2-3 खिलाड़ी हैं जिनको मैं एडजस्ट करूँगा टेलीग्राम चैनल पर आपको टास होने के बाद। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड।